पहलवानों के समर्थन में उतरी 84 खाप, सरकार को दिया अल्टीमेटम, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के पक्ष में अब हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रोहतक के लघु सचिवालय में खाप पंचायतों ने खिलाड़ियों के पक्ष में जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। खाप प्रधानों की मांग है कि WFI के अध्यक्ष को सरकार तुरंत प्रभाव से पद से हटाकर गिरफ्तार करे ताकि पीड़ित खिलाड़ियों को न्याय मिल सके। 84 खाप के प्रधान हरदीप अहलावत ने बताया कि आज देश के खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के साथ ऐसे में अन्याय किया जा रहा है। 20-21 तारीख को जो ये अगले से अगला जो संडे आएगा उसको तो हम बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। जब तक अगर कोई न्याय हो गया और वो बृजभूषण अगर गिरफ्तार हो गया और बाकी का सारा कानून मतलब ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत बड़ा सारी UP राजस्थान और हरियाणा सभी खापे मिलकर कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। अच्छा, जंतर मंतर पर आप लोग गए थे, क्या कुछ हालात वहाँ पर थे? वहाँ बहुत ठीक है, अपना ठंडे से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना धरना धर रहे हैं, बाकी अपना चल रहा है। हम सारी खापे राजस्थान से सारे युद्धवीर भाई और राकेश टिकेत नरेश टिकेत सब आ रहे थे और सब ने यही फैसला लिया। अब कोई 15 दिन तक इनका जो है पूर्ण जोर से हम तन मन धन से इनका जो है ना योगदान करेंगे और वो अपने तरीके से अपने उसको आंदोलन को चला रहे हैं। जब तक अगर कोई फैसला ले दिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हम 21 तारीख को बहुत बड़ा मतलब देश में इसका बहुत बड़ा अपना फैसला लेंगे। क्या क्या होगा उस आंदोलन में जो 21 तारीख को होने जा रहा है? उसमें कुछ भी हो सकता है जी, पूरा पूरी दिल्ली रोकी जा सकती है, सारे बॉर्डरों पर इधर से यूपी इधर से राजस्थान हरियाणा सारे बॉर्डरों को सील भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे किसान आंदोलन चला था इस तरीके से हम बॉर्डरों पर जाकर बैठ सकते हैं। शांतिपूर्ण होगा या उग्र होगा? नहीं, शांतिपूर्ण होगा, हम उग्र कोई नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। अच्छा, मंत्री हो संदीप सिंह की बात करें या बृजभूषण शरण की बात करें, सभी पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन सरकार चुप्पी साधे। आरोप कोई झूठे नहीं लगते, इन पर कोई सच्चे आरोप लग रहे हैं, ये सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही है। जब आरोप लग रहे हैं तो उसकी मतलब न्यायिक जांच क्यों नहीं करते? सरकार उनको बचाने के लिए उनको हर तरीके से, जब हमारे देश में कानून बन रहा है किसी पर इस तरीके का कानून या कोई बेटी कोई भी किसी तरीके का इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको पुलिस पकड़ कर उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन नहीं, इनको अब तक गिरफ्तार भी नहीं करें। इसका मतलब ये सरकार का पूरा पूरा हाथ है। सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब पूरा वो करते हैं, अब वो बेटी कहाँ गई उस पर मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं खाप प्रधानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो खापों की तरफ से आंदोलन की बड़ी घोषणा की जा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि खाप की इस चेतावनी के बाद सरकार क्या रुख अपनाती है। रोहतक से दिनेश कौशिक, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।